हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आज का मेरा टॉपिक है बायोडाटा। ठीक है, बायोडाटा तो एक जो बायोडाटा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिज्यूम। ठीक है, तो बायोडाटा कोई भी हो, गर्ल्स बॉयज जो भी पढ़ाई कर रहे हो, मतलब उनको ये बायोडाटा बनाना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो आज ही आप सब लोग अपने घर पर बैठ के ये बायोडाटा बनाना, खुद का बायोडाटा अपन कैसे तैयार कर सकते हैं खुद से ना। मैं अपन को साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपन खुद ही तैयार कर सकते हैं अपना बायोडाटा। और सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है बायोडाटा आना। वे कैसे तैयार करते हैं अपना खुद का बायोडाटा, कल के दिन अपन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हमारा सबसे पहले बायोडाटा देखा जाता है वहाँ पे। तो बायोडाटा आने के लिए अपन को बायोडाटा कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आई होप ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको 100% आप बायोडाटा बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि बायोडाटा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो बायोडाटा को क्या बोलता है, रिज्यूम। क्या बोलता है, रिज्यूम, RESUME, रिज्यूम, यानी क्या होता है, बायोडाटा। ओके फ्रेंड्स, तो हाउ टू राइट बायोडाटा। ओके, रिज्यूम क्या होता है कि खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिज्यूम क्या है कि खुद को दूसरे के सामने कैसे रिप्रेजेंट करें, किस सुंदर तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे के सामने कि वो अपना बायोडाटा देखते ही अपन को जॉब दे दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन बायोडाटा तैयार करते हैं। सबसे पहले तो उसमें सबसे पहले अपना नाम लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, सबसे पहले नाम। तो नाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, NAME, नेम यानी नाम। फिर उसके बाद लिखा जाता है फादर्स नेम। क्या लिखा जाता है, फादर्स नेम, मतलब अपने पिता का नाम। तो फादर FATHER, फादर्स NAME, फादर्स नेम, पिता का नाम। इसके बाद है मदर्स नेम, ठीक है, माता का नाम। सबसे पहले अपना नेम लिखा, फिर फादर नेम, फिर मदर्स नेम हो गया। इसके बाद अपन लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, CONTACT, कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जो भी अपना पर्सनल नंबर है वो अपन लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, अपना एड्रेस। फिर क्या लिखेंगे, एड्रेस लिख देंगे, अपना एड्रेस, जो भी आपका पर्सनल, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देंगे। ठीक है, एड्रेस के बाद अपन लिखेंगे, अपन मेल है या फीमेल है वो जेंडर बताना होगा उसमें, तो जेंडर के अंदर लिखेंगे मेल या फीमेल, जो भी है वो आप वो लिख देंगे, मेल या फीमेल। मेल होता है स्त्री, मेल होता है पुरुष, फीमेल होता है स्त्री। ठीक है, जेंडर लिख दिया। उसके बाद है ईमेल एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस के अंदर अपनी जो भी आईडी वगैरह है, जो भी ईमेल आईडी है वो लिख देंगे ईमेल एड्रेस के अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जो जन्म दिनांक है, जन्म का दिनांक वो लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपनी ये हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, खुद का नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मेल फीमेल अपना जेंडर को डिनोट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो अपनी हाइट भी बता सकते हो, अपना वेट भी बता सकते हो, हाइट और वेट दोनों चीज़ बता सकते हो। तो ये सारी क्या हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया अपन ने। इसके बाद अपन बताएंगे एजुकेशन, फिर क्या बताएंगे, एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर क्या आएगा, एजुकेशन के अंदर आ जाएगा मतलब आप भी जो भी हो, जैसे कि अभी आपने 12th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो, या आप अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो वो अपन लिखेंगे। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं 12th में और 10th में, या फिर जो भी अच्छे मार्क्स हैं तो आप मार्क्स भी लिख सकते हो, अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप मार्क्स नहीं लिखने चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन के अंदर जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है तो वो लिख देंगे, या फिर और क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने कुछ कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ कर रखा है एडिशनल क्वालिफिकेशन में, तो वो लिख देंगे अपन। फिर है मेजर, मेजर के अंदर होता है अचीवमेंट, कुछ आपने मतलब स्टडी के अंदर, एजुकेशन के अंदर आपने कुछ अचीवमेंट कर रखा है तो उनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया एजुकेशन वाला पॉइंट। इसके बाद आ जाएगा रिलीजन, रिलीजन होता है मतलब अपना जो धर्म है, मतलब कौन से धर्म से रिलेटेड हो, तो अपन रिलीजन लिख देंगे, RELIGION, रिलीजन हो गया धर्म, हिंदू जो भी आपका धर्म है वो लिख देंगे अपन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी लिखेंगे हम अपना एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर क्या आएगा, परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले अपन परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस के अंदर जो भी अपना परमानेंट एड्रेस है वो लिख देंगे। इसके बाद
जो क्रॉस पॉन्ड मतलब जो पद विचार से रिलेटेड, मतलब आप कहाँ का एड्रेस देना चाहते हो, है ना, क्रॉस पॉन्डेशन एड्रेस होता है पद विचार के लिए, जो दो एड्रेस होते हैं तो अपन परमानेंट और क्रॉस पॉन्डेशन एड्रेस, तो दोनों को अपन लिख सकते हैं। फिर एड्रेस के अंदर अपन सिटी बताएंगे कि कौन सा सिटी है, स्टेट लिखेंगे कौन सा स्टेट है, और कंट्री लिखेंगे कौन सा कंट्री है। तो सिटी आ जाएगा अपना जो भी शहर का नाम है, स्टेट जो भी राज्य का नाम है, कंट्री जो भी देश है और देश का नाम है, ये सब किसके अंदर लिखेंगे अपन, एड्रेस के अंदर। फिर इसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट के ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट वाला, कि इसमें आप खुद को पूछना है, खुद से मतलब खुद के बारे में लिखना है अपन को, खुद को कि अपन को ये जॉब क्यों चाहिए, या फिर अपने अंदर ऐसा क्या है कि इस वजह से हमें ये जॉब मिलनी चाहिए। तो ये ऐसे खुद पर्सनल डिटेल लिखी जाती है इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कि अपन को क्यों चाहिए। तो अपन इसमें लिखेंगे कि आस्क योर सेल्फ, मतलब खुद से पूछना चाहिए इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर कि ये जॉब मुझे क्यों चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए मुझे, ये बताना पड़ता है उसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद अपनी जो हॉबी होती है मेन, जो भी आपकी हॉबी है, फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, हॉबी। तो हॉबी में क्या आ जाएगा, हॉबी वाले पॉइंट में क्या आएगा, जो भी आपकी हॉबी है, जैसे आपको जो भी लिसनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, जो भी आपकी हॉबी है वो आप लिख देंगे यहाँ पे हॉबी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्किल, क्या है स्किल, जो स्किल वाला पॉइंट है उसमें स्किल हो गया, एक्टिविटीज होगी या क्वालिटीज होगी, जो कि आपकी क्वालिटी है आपके अंदर, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आपने भाग ले रखा है, वो सारी स्किल कौन सी आपके अंदर, ऐसी क्या कला है उसके बारे में। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी है आपके अंदर, वो सारी इसके अंदर लिखी जाती है स्किल के अंदर। फिर है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस वाला जो लास्ट पॉइंट है, एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस होता है कि आपने मतलब कहीं पे आपने जॉब कर रखा है, जैसे पहले भी मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है ये काम करने का, जो भी आपने पहले कहीं जॉब करी है, तो उसके बारे में बता सकते हो कि मुझे इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है काम करने का। तो ये हो गया एक्सपीरियंस वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बायोडाटा से एक रिज्यूम बनाने के लिए सबसे, ये सारे मैंने आपको बताया डिटेल से, तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको एक बार आप खुद घर पर बैठ के ये पूरा आज खुद का बायोडाटा बनाना, और हर स्टूडेंट को, हर उसको अपना मतलब बायोडाटा बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन नाम लिखते हैं, ठीक है, खुद का नेम लिखेंगे, नेम के बाद जो भी आप नेम में प्रोफेशनल मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सारा नेम हो गया उसका, मैंने अभी आपको बता ही दिया सारा, मेल जो भी आप जेंडर हो वो सब कुछ लिख देंगे। इसके बाद अपन राइट साइड में अपनी फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है, राइट साइड में फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट मैंने बता दिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, हॉबी, एड्रेस, ओके, ऑब्जेक्ट, ये जो मेन पॉइंट है, इनसे अपन आप खुद का बायोडाटा प्लीज़ 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 रेडी करना। थैंक यू सो मच।